Good morning, my dear students. Welcome in class 10. Today we are going to discuss about your math subject exercise number 5.2. Earlier we have discussed about the 5.1. Okay. So first question is Kavita. Start करते हैं यहाँ से. Match the following. Okay. यहाँ पे है match the following. ये क्या है? ये multiplication का है ये sum. 2,065 multiplied by 4, 735 multiplied by 7, 1,382 multiplied by 3. ओके, ये है तो मैचिंग, लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चन आता होगा तभी आप इसका आंसर निकाल के मैच कर पाएंगे. ओके, तो मैं इसको मैचिंग के रूप में नहीं करवा रही हूँ, आपको सिंपल क्वेश्चन करवा रही हूँ. ओके, तो आप लाइब्रेरी का ध्यान दीजिए एक बार. इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसे लिखेंगे 1,065 और मल्टीप्लाई बाय 4. ओके, तो आपको क्या करना है कि ये जो 4 है ये हम हमेशा वन स्पेस में लिखेंगे. यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो ये ऐसे हम डाल सकते हैं. ठीक है, 1, 10, 100 और 1000 और ये है 1. अगर इसके ऊपर 1 है तो ये 1 के नीचे ही लिखा जाएगा. ओके, अब आप इस 4 को ना यहाँ लिखेंगे ना यहाँ लिखेंगे ना यहाँ लिखेंगे, सिर्फ अगर इसके ऊपर 1 है तो 1 के केस पे ही लिखा जाएगा. ओके, तो सबसे पहले आपको टेबल आनी चाहिए 4 5 जार. तो 4 5 जार, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आया 20. अब ये 1 से ये 10 से, तो अब ये 0 यहाँ रखेंगे और ये 2 यहाँ कैरी करेंगे. ओके, फिर अब इसके साथ होगा इसके मल्टीप्लाई, अब इसके साथ करेंगे 4 6 जार, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 24 एड 2 कितना हुआ 26. तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा. फिर इसके साथ हो गया, अभी इसके साथ होगा, तो 4 1 is 4 एड 2 6, फिर 4 2 are 8 कितना आया सम से 8,616. ओके, नेक्स्ट इज 735 multiplied by 7. ओके, ये 1 है, तो हम इसको कैसे करेंगे 735 multiplied by 7. ठीक है, अब ये 1 से 100 लिख लीजिए, 7 5 जार, अब 7 multiplied by 5 कितना आता है 35. तो जो आपके 1 स्पेस पे है डिजिट, या फिर ये कह लीजिए इसकी जो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो जो राइट हैंड साइड है वो आपकी 1 स्पेस पे आएगी, जो बचगी वो ऊपर कैंसिल जाएगी. अभी इसके साथ कुछ क्या मल्टीप्लाई, अब इसके साथ होगा 7 3 21 21 एंड 3 21 एंड 3 24. तो ये 4 आ गया और 2 यहाँ चल गया. 7 7 7 7 7 49 और एंड 2 कितना होगा 51. अब आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए ये नंबर ऐसे का ऐसे आ जाएगा. तो इसका आएगा 5,145. बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है. ओके, ये बी वाले के साथ मैच होगा. ओके, पहले क्या आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैचिंग करेंगे, क्योंकि ऐसे आपको आइडिया लगा के मैच को नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आप इसके ऊपर लिखेंगे प्लेस वैल्यू और यहाँ पे लिखेंगे वंस. ओके, 1,382 एंड 3 मल्टीप्लाई 3,006, 3,8 जार कितना हुआ 24. तो ये 4 यहाँ आएगा और ये 2 यहाँ चले जाएगा. 3 3 जार 9 9 एंड 2 11, 3 1 is 3 एंड 1 4, 4,146. इट मीन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. इसका कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा. ओके, इसकी 3 सब मैंने करवा दी थी, ना ये को आप याद करेंगे. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका वो है मल्टीप्लाई का, इस सिस्टम है मल्टीप्लाई का. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 134 मल्टीप्लाई बाय 4. ओके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको शुभ 1 10 100 और ये 1, तो 1 10 100 134 और ये 1 की प्लेस है, तो इसलिए 1 की प्लेस नीचे आएगा और ये मल्टीप्लाई. ओके, अब हम इसे कैसे करेंगे, 4 4 जार 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 मल्टीप्लाई बाय 4
4 is equal to 16. तो ये 6 यहाँ पर आएगा और ये 1 यहाँ स्कैटर चल जाएगा. ओके, तो 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12. एड 1 कितना हो गया 13. तो ये 3 यहाँ आएगा और ऊपर 1 कैंसिल जाएगा. फिर 4 1 इज 4 एंड 1 5. कितना आंसर आया 536. ओके, नेक्स्ट इज 104 मल्टीप्लाई बाय 5. तो ये है 1/10 और ये है 1. ठीक है, तो ये हम लिखेंगे इसको प्लेस वैल्यू 104 और यहाँ पे 5. ठीक है, 5 4 ऐसे 5 4 कितना आया 20. ठीक है, तो ये 0 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ क्या चलेगा. आप देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि 5 0 5 लिख देंगे. नहीं, मैंने आपको टेबल में भी करवाया था कि जब भी हम किसी भी डिजिट को किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 0 ही आता है. तो 5 0 0 तो ये 2 तो रहेगा तो उसमें 2 सिंपल आ जाएगा, सीधा आ जाएगा. ठीक है, एड 2 5 1 5 कितना आ गया 520. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा. ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे, वो आपने खुद करने हैं. ओके, थैंक यू.